हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्जी। तो चलिए हम उसके लिए सामग्री देख लेते हैं, हमें किन किन चीजों की जरूरत है। ये हमने 3 मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है, इसको हमने साफ पानी में धो के काट लिए है। ये हमने 4 आलू लिए हैं, इनको भी हमने साफ पानी में धो के काट लिए हैं। एक हमने टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च ये भी हमने काट लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने पैन ले लिया, अब हम सरसों के तेल का तड़का लगाएंगे। सरसों का तेल है 1 बड़ा चम्मच, हम सरसों का तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। बिना लहसुन प्याज से हम सब्जी बना रहे हैं। देखिए तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं साबुत। जीरा भून जाएगा, उसके बाद हम अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। देखिए जीरा ब्राउन हो गया, अब इसमें हम अदरक और हरी मिर्च जो काटी है वो इसमें हम डाल देंगे। टमाटर हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। देखिए अदरक भून गया, अब इसमें हम हल्दी पाउडर मसाले डाल देंगे। सूखे गैस की फ्लेम हम कम नहीं रखेंगे, 5 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे ताकि आलू थोड़े से पक जाएं। उसके बाद हम शिमला मिर्च डालेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, आलू को हमने बाद में ही पकाया है, अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे। थोड़े से मुलायम हो गए हैं, इसलिए हमने शिमला मिर्च को डाल दिया, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है। थोड़ा सा इसमें हम पानी का छिड़काव दे देंगे ताकि सब्जी थोड़े अच्छे से निकल जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना बहुत है। 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए सब्जी काफी हद तक गल गई है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये हमने टमाटर, 1 टमाटर काटा है, इसको भी हमने डाल दिया। हम इसको
फिर हम ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर गल जाए और थोड़ी बहुत सब्जी रह गई है वो भी गल जाए। देखिए आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बन के तैयार हो गई। अब इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। सब्जी बिल्कुल तैयार है, अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर तैयार कर ली। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्ते जी।